ये व्हाट वी हैव डन। चैप्टर नंबर वन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हेडिंग्स के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड है, उसके चैप्टर वन का जो टाइटल है दैट इज इंट्रोडक्शन, देन वी हैव बैकग्राउंड, देन वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन वी हैव रिसर्च गैप, देन वी हैव ओके रिसर्च गैप से पहले रिसर्च क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, then we have research gap, and then we have operational definitions, and then limitations. कुछ इस तरह की मोर और लेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी प्लस माइनस हेडिंग्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो तीन हेडिंग्स हैं ये वाली ये तो सब में ही होंगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दिस इज चैप्टर नंबर वन जो कि आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। सो चैप्टर नंबर वन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। इसको अगर हम हेडिंग टू कहें, यस टू ही बेहतर है। दिस इज हेडिंग नंबर थ्री फॉर इंस्टेंस, टू एंड थ्री, एंड ये हमारे पास हेडिंग नंबर फोर आ जाता है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एक और चीज़ भी आपसे सिखाना चाहता हूँ कि कंटेंट्स कैसे बनते हैं। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे देखो मैंने मैंने सिंपल क्या किया है, दिस इज चैप्टर नंबर वन, इसको मैंने हेडिंग का नाम दिया, दिस इज हेडिंग नंबर टू, दिस इज हेडिंग नंबर थ्री, एंड दिस इज हेडिंग नंबर फोर, यानी कि उसकी सब हेडिंग्स हैं। आप अगर हेडिंग नंबर फोर नहीं कहना चाहते, उसको हेडिंग थ्री कहना चाहते हो, हेडिंग नंबर थ्री हो जाएगी। This is all what we have so far. Then chapter number two के अंदर, chapter number two again, ये साथ साथ आप देखते रहें भाई, एक और चीज भी आप साथ साथ सीख दो। Chapter number two इसको heading number two. Then chapter number two के अंदर what we have with us is the literature review है इसका नाम। Number three कह रहा हूँ, heading number three. और literature review के अंदर सबसे पहले आपने डीवी डिस्कस करना है, फिर आपने आईवी और डीवी का जो रिलेशनशिप बनाया हुआ है वो डिस्कस करना है। अगर वो आईवी वन है तो आईवी वन एंड डीवी, एंड इस तरह सो ऑन। देन वी हैव मॉडरेशन, अगर है तो मॉडरेशन का इफेक्ट ऑन आईवी डीवी रिलेशनशिप आपने डिस्कस करना है। देन अगर मीडिएशन भी है तो आप उसको भी मीडिएटर का इफेक्ट भी आप चेक करोगे, एंड इस तरह आप और साथ साथ जब आप इसको करोगे तो साथ आप लोगों ने हाइपोथेसिस भी लिखते रहना है, साथ साथ हाइपोथेसिस आप मेंशन करते रहोगे। सो और ये एंड में आपके पास रिसर्च फ्रेमवर्क आ जाएगा, और रिसर्च फ्रेमवर्क भी कहते हैं उसको, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, थोड़ा सा बहुत इसमें डिफरेंस जरूर है लेकिन इसको मोस्टली इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जिस साल किसी स्टूडेंट ने हमें ज्वाइनिंग भी किया है उनको भी हम हमारा इज है। सो ये भी हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं। सो लिटरेचर रिव्यूज हेडिंग नंबर थ्री, इनको भी मैं हेडिंग नंबर थ्री ही कह देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकॉज देर इज वन थिंग दैट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो इस वजह से मैं इनको इस तरह लेकर, देन वी हैव चैप्टर नंबर थ्री, दिस का नाम होता है रिसर्च मैथडोलॉजी। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, लेकिन सो चैप्टर नंबर थ्री इसको मैं इन दोनों को ही हेडिंग नंबर टू कह देता हूँ, राइट, हेडिंग नंबर टू इज हियर। सो इसको भी हेडिंग टू कह देते हैं ताकि हम लोग एक उसको रखें। तो ये सारी सारी हेडिंग नंबर टू है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हमारे पास सबसे वी हैव पॉपुलेशन है, वी हैव सैंपल पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग डिजाइन है, सैंपल है, सैंपल साइज है, यूनिट ऑफ एनालिसिस है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशंस भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ उसको मेजरिंग या मेजरमेंट टूल्स का नाम देते हैं। मेजरमेंट टूल्स हैं यानी कि आपके कौन से क्वेश्चनेयर वगैरह हैं, कुछ लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स भी ऐड करते हैं, राइट। अब आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव्स का मतलब क्या है, एंड देन हाँ ये जब आपका डाटा वगैरह कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू बी यूज, और कुछ लोग यहाँ पे
और कहते हैं जी रिसर्चर्स स्ट्रेंथ्स भी ऐड करते हैं। ये बातें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये बस अब अगले सेमेस्टर में आप लोग इंशाल्लाह जब ये पिकअप करोगे अब ये वाला, तो आपको ये सब चीजें वहां पे चाहिए। इन सब को मैं हेडिंग नंबर टू कह, हेडिंग नंबर थ्री कह देता हूँ, बिकॉज टू हमने उसको कहा है, तो लेट्स कॉल इट थ्री। सैम्पलिंग डिजाइन आ गया, हाँ जी बिल्कुल। देन वी हैव चैप्टर नंबर फोर, डाटा एनालिसिस। अच्छा ये कोर्स स्टूडेंट हैज जस्ट ज्वाइंड इन एनालिसिस, इनको मैं हेडिंग नंबर थ्री कहता हूँ, फोर थोड़ी टू है ये। डाटा एनालिसिस के अंदर साथ साथ आप कौन कौन से एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। डाटा एनालिसिस में आप पहले बताते हुए क्या क्या आपने, नॉर्मेलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रिलायबिलिटी का टेस्ट है, ये अब आप लोगों को करने आ गए हैं। नॉर्मेलिटी के अंदर वी हैव स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, इसको मैं ज्यादा लिख देता हूँ, ये बेसिक टेस्ट है राइट। अच्छा ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला है ना, कुछ लोग इसको यहाँ पे डालते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ पे डालते हैं, इट्स अप टू यू। नॉर्मेलिटी है, स्क्यूनेस कर्टोसिस है, रिलायबिलिटी के अंदर हमारे पास जो है वो क्रॉन बैश अल्फा होता है, अल्फा का टेस्ट है हमारे पास। एंड वी हैव कोरिलेशन, ये भी अब आपको आ गया। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, इस बार रिग्रेशन में नाम दे रहा हूँ, अगर एक आई वी है तो उसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, और अगर मल्टीपल आई वी है तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। उस पर अगर मॉडरेशन वेरिएशन है तो फिर आपने उसके भी टेस्ट वगैरह किए होंगे, वो भी आपने यहाँ पे साथ से टेबल बनाना है, उस टेबल से आपको क्या नतीजा मिल रहा है वो भी आप लोगों ने साथ लिखना है, मॉडरेशन एंड वेरिएशन। इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास हेडिंग नंबर थ्री है, लेकिन इसमें एक जो है वो हेडिंग नंबर फोर, ये दो हेडिंग फोर भी हैं, ये फर्स्ट से मैंने सेपरेट किया ताकि आप इसको समझो कि दैट इज हाउ इट इज रिटन हेयर। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर फाइव, दिस इज द लास्ट चैप्टर और ये हमारा आज का टॉपिक भी है, चैप्टर नंबर फाइव, इसको मैं हेडिंग नंबर टू कह रहा हूँ अगेन। अच्छा सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, सो आयशा कुद्दूस इज हेयर। सो चैप्टर नंबर फाइव के अंदर हमारे पास डिस्कशन है, डिस्कशन है, डिस्कशन कंक्लूजन इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन। मुख्तलिफ लोगों ने इसके कुछ, इसमें एक आध चीज और भी डाल देते हैं, लेकिन मोर और लेस इसका यही टॉपिक होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, हम स्टार्ट करेंगे विद डिस्कशन। डिस्कशन है इम्प्लीकेशंस के अंदर दो चीजें हैं, एक है इसकी एकेडमिक इम्प्लीकेशंस, एक है मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस। एकेडमिक का बेहतर लफ्ज में अगर कहूँ तो रिसर्च इम्प्लीकेशन, यानी कि मेरी रिसर्च से, मेरी करंट रिसर्च से क्या, रिसर्च को क्या फायदा होगा, रिसर्च पे क्या क्या वो निकले, डिस्कशन है, रिसर्च इम्प्लीकेशंस है। एंड देन वी हैव फ्यूचर रिकमेंडेशंस और डी लिमिटे, हाँ सॉरी लिमिटेशंस यहाँ पर हैं, लिमिटेशंस। और यहाँ चैप्टर वन में हमने लिमिटेशंस डाला है इसको, ओके मैं इसको डी लिमिटेशन भी आपको आज, मैंने जैसे लास्ट टाइम ही बताया हुआ है, लेकिन डी लिमिटेशंस भी हम इसको यहाँ पे, इसको हेडिंग नंबर थ्री। ओके नाउ वी हैव फ्यूचर रिकमेंडेशन लिमिटेशंस। हाँ इसकी तरतीब जो है ना कुछ जगहों पे डिफरेंट है, कुछ जगहों पर ऐसी है, मोस्टली फ्यूचर रिकमेंडेशन से पहले आ जानी चाहिए रिकमेंड, सॉरी रिकमेंडेशन, फ्यूचर रिकमेंडेशन से पहले लिमिटेशन, दिस इज ऑल्सो दिस इज थर्टी। अच्छा जी उसके बाद जारी बात, आप हो गए सर ये तो ब्लू कलर में आ, तो आपने क्या करना है, व्हेनेवर यू आर डन विद दिस कंट्रोल ऑल करके एक तो टाइम्स न्यू रोमन में लाना है, बिकॉज आपको पता है कि इट हैज टू बी टाइम्स न्यू रोमन व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन एपीएस स्टाइल। एंड 12 का फॉन्ट, बाद में हर एक का फॉन्ट आप अपडेट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव ब्लैक एंकर, तो आप इस सब चीजें जो हैं ये ब्लैक में, अब जो मैं आपको कह रहा था कि सर आप कह सकते हो सर इसका फायदा क्या है, जो आपने हेडिंग होडिंग लिखा है, देखो जब आप कॉन्टेंट बनाओगे ना इसको मैं जरा पेज नंबर भी डाल दूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेज नंबर्स भी डल गए, नाउ
अब सिंपल आपने इंसर्ट में गए और यहाँ पे कहीं ढूंढे कंटेंट, वो होगा कंटेंट्स होने चाहिए ताकि हम उसको एंटर कर सके। जियो में भी हो सकता है। रिव्यू में भी हो सकता ये टेबल ऑफ हाँ। कंटेंट्स है, ये सर रेफरेंसेस में। ओके हियर वी आर। एंड अब आपको कौन सा स्टाइल चाहिए वो आप डालेंगे, इसको प्रेस करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। मुझे तो एपीएस स्टाइल जो है वो हम लोगों ने ऑटोमेटिक भी हम ट्राई करते हैं सारे वो बट विच एवर। सो हम जब कर, अब ये देखें ये आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको जब हम अपडेट करें अपडेट यू कैन सर्च फ्रॉम द रेफरेंस टैब। ओके हाँ ये देखिए सब चीजें जो हैं ये जो हमने यहां पे एंटर की थी ऑल ऑफ दिस, और हमने जिस जिस तरह हेडिंग में एंटर की थी ये जिस पेज पर ये आ रही है ये ऑटोमेटिकली उसने हमें कंटेंट्स बना के दे दिए। ये देखिए अच्छा जो सब जो हेडिंग सेम लेवल पे थी वो सेम लेवल पर है, जो सब हेडिंग थी वो इंडेंटेशन के साथ है, फिर सेम लेवल पर इंडेंटेशन, फिर सेम लेवल पर इंडेंटेशन। अच्छा इंटरेस्टिंगली बेटा इसमें एक और चीज भी आप नोट, जब अगर आप इसमें कुछ अपडेट करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये देखें इस वक्त चैप्टर 5 4 नंबर पेज पर है, यहाँ भी चैप्टर 5 3 से स्टार्ट होके, हाँ 3 से एक डिफरेंट आ रहा। अच्छा हाँ ये पेज नंबर 1 2 1 2 इट हैज टू बी ऑन 3। चैप्टर 1 2 अच्छा ओके ठहरे ठहरे इसको हम अपडेट पहले कर लें। तो आप जब भी कोई अपडेट करोगे तो वो यहां से अपडेट कर देगा। हाँ ये देखें ये अब इसने अपडेट कर दिया 3 और 4 कर दिए। ये देखिए ये हम लोगों ने एंटर दबाए थे तो ये 3 पर आ गया था चैप्टर्स, ये 4 पर आ गया था। अब चैप्टर नंबर 5 हमारा पेज नंबर 4 पर है, ये देखें पेज चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 4 पर है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, लेट्स से आई जस्ट इसको मैं एंटर करते करते पेज नंबर 5 पर ले आया हूँ, लेकिन ये यहाँ पर पेज नंबर 4 पर ही है। सो आई जस्ट हैव टू गो ओवर हेयर एंड प्रेस अपडेट। तो ये अब देखें ये 5 पर आ गए। तो ये इसके ये भी मैंने हेडिंग्स इस्तेमाल की हैं, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अभी तो आपको लग रहा होगा यार ये कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है, बट आई टेल यू जब इमेजिन करो कि ये 100 200 पेजेस का बन गया है एंड देन, और उसमें फिर आपको चेंजेस भी एवरी नाउ एंड देन चेंजेस भी करनी पड़ती है, तो विद जस्ट विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन इजिली मैनेज ऑल ऑफ दिस। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब ये मैं आपको फ्रेंकली बताऊं 5 से 6 घंटे ले लेता है दिस टेबल ऑफ कॉन्टेंट बनाना मैनुअल तरीके से। सो इस चीज का आप लोगों ने सिर्फ वन विदाउट वी कैन डू इट। नाउ वंस वी आर डन विद दिस नाउ कमिंग टू दी मेन पॉइंट ऑफ आर लेक्चर टूडे दैट इज चैप्टर नंबर 5 डिस्कशन। डिस्कशन क्या होती है? नाउ ये आज का जो हैव अ लुक एट दिस वन, डिस्कशन क्या चीज है? ब्रॉड ओवरव्यू डिस्कशन का है व्हाट डिड यू डू इन दिस रिसर्च पेपर और इन दिस आर्टिकल और इन दिस यू नो थीसिस या रिपोर्ट, आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन ओवरऑल, व्हाट डिड यू फाइंड, व्हाट इट मींस, जो भी आपने फाइंड आउट किया है उसका मतलब क्या है, एंड व्हाट एवर यू हैव डन व्हाट एवर यू हैव फाउंड एंड व्हाट एवर इट मींस, इसका व्हाई ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाट एवर यू हैव डन व्हाट एवर यू हैव फाउंड एंड व्हाट एवर इट मींस व्हाई ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, इन सवालों के जवाब आपने देने हैं डिस्कशंस के अंदर।
अब आप अगर सर ये डिस्कशन होता कि जरा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डिस्कशन जो है इट इज अ कंप्लीट चैप्टर इन अ थीसिस। ये डिस्कशन स्टार्ट होती है यहां पे, तो आपने यहां से लिखना शुरू करना है और शुरू व्हाट डिड यू डू। एंड मैं आपको एक ये मैंने पेपर जो मशहूर पेपर हम लोग फॉलो कर रहे हैं जमान एट ऑल का IJPM का पेपर, ये देखिए इनका डिस्कशन शुरू हो रहा है। मैं आपको हल्का सा मॉडल एक दफा दोबारा दिखा रहे, तो ये मॉडल हमने कई दफा विजिट किया है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा होगी और इट हैज एन इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, सोशल स्किल्स मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, एंड पोलिटिकल स्किल्स ऑल्सो मॉडरेट बिटवीन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स बिटवीन द रिलेशन प्रोजेक्ट पोलिटिकल स्किल्स मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अब इसकी इन्होंने आंसर्स निकालने के बाद उन्होंने उसको डिस्कस किया। सो डिस्कशन क्या है, तो पहली बात हमने क्या की थी डिस्कशन के अंदर, व्हाट डिड यू डू, पहले हमने ये लिखना है बेस्ड ऑन द रेफरेंसेज फ्रॉम द लिटरेचर एंड द एम्पिरिकल फाइंडिंग्स ऑफ द क्वेश्चनेयर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन दिस स्टडी फिल्स अ रिसर्च गैप, दिस इज व्हाट वी हैव डन and adds to the body of knowledge by a theoretical model which brings innovative perceptions and insights on the relations between project complexity, technical and thoughtful project performance in the light of moderating variables which are political skills and social skills and political skills combined which has never been validated empirically tested before. So देखो, What did you do? This is what we have done. ये मैंने आपको बताया कि discussion start ही यहां से होती है। दोबारा से repeat करते हैं, anyone who has missed it, एक entire एक message भी आया है, नहीं यहां पर नहीं, WhatsApp message है। Okay. So what you have done? So देखें, important बात यह है कि सबसे पहले जिस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है वो है व्हाट यू हैव डन इन दिस रिसर्च पेपर और इन दिस थीसिस। अब देखो, जो रिसर्च पेपर है इसमें जाहिर बात है थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस होती है, तो उन्होंने एक ही पैराग्राफ के अंदर बताया है कि व्हाट दे हैव डन। जी क्वेश्चंस हेयर प्लीज, सवाल पूछें। ये जी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, एनीवन? आ रही है समझ, ऑल गुड, ऑल गुड है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, व्हाट वी हैव डन। ओके, अगर आप कह रहे हो कि ऑल गुड है तो हम आगे चलते हैं। जब आपकी डिस्कशन, अच्छा अब ये पहला क्या था, व्हाट डिड यू डू एंड देन व्हाट डिड यू फाइंड। मतलब हमने कहा जी हमने ये बड़ा ओखा मॉडल, क्योंकि पहले किसी ने एम्पिरिकली टेस्ट भी नहीं किया हुआ, वैलिडेट भी नहीं किया हुआ, और ये एक रिसर्च गैप भी था और प्रॉब्लम भी है, तो हमने क्वेश्चन एयर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन किया, तो हम लोगों ने इसको सोल्यूशन निकाला है, हमने इसको सॉरी एम्पिरिकली वैलिडेट किया, दिस इज व्हाट वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू आंसर इन डिस्कशन इज व्हाट डिड वी फाइंड। So, अब हमने इसको बताने के लिए कि हमने क्या फाइंड आउट किया, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। प्रीवियसली मूलर एंड टर्नर एम्पिरिकली टेस्टेड अ मॉडल वेयर बोथ हार्ड प्रोजेक्ट टाइप्स कल्चर कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट एंड सॉफ्ट लीडरशिप एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट वर स्टडीड। दिस इज द स्टडीज वन ऑफ फ्यू स्टडीज टू कंबाइन इन्वेस्टिगेट बिहेवियर टेक्निकल एस्पेक्ट्स अदर स्टडी हैज इमेंसली। ये भी वही वाला पार्ट चल रहा है, व्हाट वी हैव डन। सो व्हाट डिड वी फाइंड, ये देखें ये वाला पार्ट, व्हाट डिड वी फाइंड, ये वाला पार्ट यहां पर आ रहा है। The results of this research work are a proof that in order for organizations to succeed and improve their project performance, project team members employed in projects should have these behavioral traits along with technical knowledge, because without coordination, emotional intelligence, social attitudes, genuineness, truthfulness and integrity, one cannot succeed be it a project-based organization or an individual. The results of this research study are in line with contingency theory. अच्छा जी, नए स्टूडेंट एक कोर्स में ज्वाइन किया है, लेट अस वेलकम अली मेहदी। सो
व्हाट डिड वी फाइंड, इस पे हम बात कर रहे थे. द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च स्टडी आर इन लाइन विद कॉन्टिजेंसी थ्योरी विद विच अकॉर्डिंग टू दिस इज अ न्यू परसेप्शन. द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिजेंसी थ्योरी इज दैट इट हेल्प्स प्रोजेक्ट्स बेटर प्लान एंड अकॉम्प्लिश प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी. कॉन्टिजेंसी थ्योरी हैज बीन एक्नॉलेज्ड. तो इन्होंने साथ वट एवर वी हैव फाउंड उसका साथ साथ उन्होंने एक थ्रेटिकल सपोर्ट भी दिया है कि दिस इज हाउ इट इज सपोर्टेड बाय. ये हमारा काम तो नया है, वेरिएबल्स नहीं नए हैं, लेकिन इसकी थ्रेटिकल सपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है इस कॉन्टिजेंसी थ्योरी की फॉर्म के अंदर. अच्छा जी, साथ साथ अब देखिएगा ये भी चल रहा है, साथ साथ ये भी आ जाएगा और साथ ही ये दोनों चीजें भी साथ ही कवर कर लेंगे. द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च इंट्रोड्यूस अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस और रीजन ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर्स. दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स दैट टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फेस्ड बाय द एम्प्लॉइज एंड टीम्स रिजल्टिंग देयर बाय इन प्रोजेक्ट फेलियर्स और पुअर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कैन ओवरकम. Project based organizations should pay close attention to the behavioral attributes. Proper combination of such skills in a team can not only prove project performance but also help organizations face less failure. Another way to explain this is through the trait activation theory. Trait activation theory is defined as a process in which employees show their traits when they come across or are confronted with trait related conditions. Consequently, project or organization's performance then becomes function of work traits and personality. These work-related traits activate those personality traits in the individual if a match is found between situation and employee's personality. So, what it all means and why is it this is important, why all of this above is important, it has been discussed in one way or in another way, it has been discussed in this discussion portion. So this is what it is. This is how you make up your discussion portion. The questions, Peter, अभी मैं आपके सामने एक और research paper रखूंगा. उसमें से भी हम discussion portion जो है वो discuss करेंगे. Meanwhile, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें. Anyone, any point? सर ये लास्ट वाला जो आपने स्लाइड में शो किया था जो व्हाट इज इम्पोर्टेंट के बाद. जी जी ये जी सर ये मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस नहीं ये नहीं है ये सटल वे में मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस जरूर हैं. सटल वे में व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट लाइक फॉर मैनेजर्स टू फॉलो एंड एकेडमिशियंस टू फॉलो ये बिल्कुल उस लिहाज से थोड़ा सा है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम हम लोग एक रिसर्च पेपर के अंदर एक से एक आध पैराग्राफ ये लिखते हैं कि व्हाट एवर वी हैव डन. ये हम हल्का सा आप समझो कि हम ये लिखते हैं कि इट हैज मैनी मैनी इम्प्लीकेशंस for the academicians and and practical practitioners. जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई ये क्या, और उसके बाद हम फिर ये academic implications और managerial implications शुरू करते हैं. Let's have a look at the paper. ये देखें ये साथ ही फिर theoretical implications शुरू हो गई. Theoretical implications यानी कि researchers, theory, academicians को क्या फायदा है, and then we have managerial implications. वो शुरू हो जाता है कि भाई ये सो अब जो आपका पॉइंट है आप अगर थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर दो तो जरा आसानी हो जाएगी सबको सुनने के लिए. थैंक यू. अच्छा अब उसमें आप जो बात कर रहे हो कि भाई क्या ये जो लास्ट पॉइंट है द व्हाई ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट इज इट मैनेजेरियल और एकेडमिक इम्प्लीकेशंस, इसमें मेरा ये कहना है कि यस बट इन अ वेरी सटल मैनर. एक पैराग्राफ जिसमें आपने बताना है कि ऑल ऑफ दिस व्हाट वी हैव डन it is very very important for both academic for research academicians and practitioners. aur phir sath hi hamare paas jo next topic shuru ho jayega wo ye shuru ho jayega. So this is important. Why all of this is important? Yes, it is important.
एंड इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन है इन दी अनदर आप कह लो के हेडिंग के अंदर ये चीजें आ जाएं। सो लेट्स हैव अ लुक के हमारे पास थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। देखो ये याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस रिसर्च इम्प्लीकेशंस ये दोनों चीजें जो हैं ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं, ये एकेडमिक इम्प्लीकेशंस। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। दिस रिसर्च वर्क एडेड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इन द नंबर ऑफ वेज। फर्स्टली उसने हमें ये फायदा पहुंचाया, सेकेंडली हमें ये फायदा पहुंचाया और फाइनली ये फायदा पहुंचाया। So let's have a look at this one. Firstly, this study has pioneered in introducing empirically testing a novel framework of project complexity and project relationship using interactive effects of social and political skills. आपको पता होगा कि moderation, moderating effects को interactive effect भी कहते हैं। Moderator को interactive variable भी कहते हैं। So ये उन्होंने उस लफ्ज का इस्तेमाल किया। This entails studies vivid usefulness from the practitioner's perspective, allowing project managers to better understand the linkages among complexities, social skills, and phenomena. Erickson 2017 suggested in their paper to investigate project performance in relation to project technical complexity. Our findings revealed a significantly negative relationship between this and this. This was consistent with the recent studies that demonstrated that this. It is not just the technical factors in the project that impacts project performance, but there are some behavioral attributes that practitioners need to have in order to cope up with the project difficulties. So, yeah, आप देख रहे हो कि किस तरह theory के अंदर, किस तरह literature के अंदर ये चीजें जो हमारी findings हैं, किस तरह पहले किसी भी findings के साथ वो match कर रही हैं या contradict कर रही हैं, और वो हम लोगों ने चीज लिखी है, और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? ये देखें। This research is one of the few initial studies to empirically test and this. Wait a second. So Lee and Yoon explored social skills as the moderator between job performance and this sharing, knowledge sharing, and shared future avenue of scoring social skills as a moderator, which with activities that are performed in group. That is this. सो थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस ठीक है, इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है इस रिसर्च उसके अंदर फाइंडिंग रिसर्च थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ आर फाइंडिंग्स, व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ आर रिसर्च फाइंडिंग्स फॉर द लिटरेचर फॉर द थ्योरी दैट इज ऑलरेडी देयर and how it is used, how the future researchers can build up on our theoretical findings. इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ज्यादातर यही लिखा है कि भाई किस तरह हमारी findings और previous findings जो है वो आपस में match करती हैं, हालांकि this portion must be the part of the literature review जिसमें support हम लेते हैं from the literature to justify our use of a particular variable. Okay, let's have a look at the managerial implications. The managerial implications for this study includes a new perspective to look at the software project performance or reasons of project failures. Managers, haan ye dekhe, managers should give prioritized attention to the behavioral features of employees while finalizing project teams. So this is one implication from the finding from our research that managers should give prioritized attention to the behavioral features. Sorry, to understand the fact poor project performance is due to complex nature of projects can be overcome if employees hired have both or at least one skill. Ye bhi hamari finding hai. Project leaders may also gain advantage of their embedded socio-political skills in leadership roles within broad social networks. This is also our finding. So, इसके अंदर क्या है कि हमारी finding किस तरह managers को organizations which are working on software projects को help करती है हमारी findings. ये देखिए,
The study also establishes greater understanding and recognition of how project managers could include social and political skills to manage complexities in sophisticated projects. ठीक है जी, दिस इज, अब ये देखिए एक और, अनफॉर्चुनेटली द फोकस ऑफ ट्रेनिंग फंड्स ऑन प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स इज लार्जली ड्रिवन बाय डेवलपमेंटल नीड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटीज रादर देन सोशल कैपेबिलिटीज। सो अगेन, ये भी हमारी फाइंडिंग के नतीजे में एक रिकमेंडेशन है जो कि हम मैनेजर्स को, TND डिपार्टमेंट को, HR डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि ठीक है, आप टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के ऊपर तो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सोशल स्किल्स और पोलिटिकल स्किल्स के ऊपर भी पैसा खर्च करने की जरूरत है। सो इन अदर वर्ड्स, ये सारी की सारी जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं, ये बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी हुई है एज, एंड इट बिल्कुल नजर आ रहा है कि दे आर द रिजल्ट, दिस दीज मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस आर द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ आर फाइंडिंग्स। तो आप लोगों ने ये चीज, ये बिल्कुल इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था कि इसमें थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस एज सच प्रॉपरली मुझे नजर नहीं आई। Now coming to the aspect of the limitations and future recommendations. Have a look at this one. हमारी limitations क्या थी, हमारी research की limitations? मैं ये repeat कर रहा हूँ कि the difference between limitations and delimitations क्या? Limitations is something. Limitations are something which is not under the control of the researcher. While delimitations क्या होती हैं, the self-imposed limitations को हम delimitations कहते हैं। So limitations क्या हैं? Despite this study's theoretical and practical contributions, there are certain limitations that need to be considered. The data used in this research is taken from leading software houses in Pakistan, which falls in South Asian developing nations context as compared to the developed nation. Therefore, it would be, तो ये हमारी limitation होगी, हमें हमारा data जो है सिर्फ यहीं से लिया गया है। Therefore, it would be interesting knowledge addition to research if future studies could validate the results and findings of these studies in other cultural and business contexts through cross-culture, cross-sector learning. So, future recommendation भी साथ साथ आ गई, ये देखें, limitation है, future avenues, और साथ साथ limitation भी बता दी, मतलब हमने बताया कि ये हमारी limitation है, साथ ही हमने बता दिया कि हमारी limitation का ये एक solution तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक फायदा है, दैट दिस लिमिटेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटीज बाय द अदर रिसर्चर्स। ओके, फर्दर, दिस रिसर्च कंसीडर्ड ओनली द टेक्निकल डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, हाउएवर, इन ऑर्डर टू कैप्चर अ मोर होलिस्टिक व्यू, द अदर डायमेंशन सच एज ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी शुड ऑल्सो बी इम्प्लॉयड इन डिटर्मिनिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इन फोर्थ कमिंग रिसर्चर्स। सो ये हमारी एक और लिमिटेशन थी कि हमें सिर्फ टेक्निकल डायमेंशन ली, सो बाकी जो है वो इसको बाकी डायमेंशन लेकर भी इसको कर सकते हैं। ऑल्सो ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, दिस स्टडी इंप्लॉयड क्रॉस सेक्शनल एंड सेल्फ रिपोर्टिंग सर्वे डिजाइन विच रेज प्रॉब्लम ऑफ रिवर्स कॉजैलिटी एंड पर्सनल बायस, मोर ओवर दिजनेट ऑफ एनालिसिस हैज बीन टेकन एज इंडिविजुअल दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर्स, तो इसको भी देखा जा सकता है, ये भी हमारी लिमिटेशन है। फ्यूचर रिसर्च कुड एम्प्लॉय लॉन्गिट्यूडनल एंड मल्टी लेवल अप्रोच टू स्टडी द सेम मॉडल विद डायस एजेंट ऑफ एनालिसिस, वेयर मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन कुड बी फील्ड बाय प्रोजेक्ट टीम्स, वेयर पॉलिटिकल एंड सोशल स्किल क्वेश्चन कुड बी फील्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट हेड्स। लास्टली, फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में एम्प्लॉय अदर मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस सच एज कंसिस्टेंट PLS, दैट इज PLS SEM और CBSEM टू highlight emerging recommendations based on divergent positions and to advance understanding on beneficial features of other SEM techniques. So this is all. ये अब आप देखो, आपके सामने उन्होंने एक दो पेजेस के अंदर बहुत ही amicably, I must say, उन्होंने they have actually not only written this discussion, conclusion and recommendation. What did they find, what does that mean, and limitations and academic and managerial implications and future recommendations उन्होंने दे दी है जी। क्वेश्चन पूछे ना, द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम योर साइड, आप मुझे बताएं कि what are your questions on this?
जी एनी क्वेश्चंस? हेलो एनीवन? जी फात क्या कह रहे?